अस्पतालों में भर्ती को लेकर प्रभारी डीएम के आदेश। सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे डिस्प्ले कर देना होगा डाटा। खाली बेड और भर्ती मरीजों की देनी होगी जानकारी। रोज समय से देनी होगी हर अस्पताल को सूचना। निजी अस्पताल 90% मरीजों को सीधे कर सकेंगे भर्ती। 10% मरीज कोविड कंट्रोल रूम से जरिए होंगे भर्ती। हर निजी अस्पतालों को लेना होगा निर्धारित शुल्क। अस्पतालों में भर्ती को लेकर प्रभारी डीएम के आदेश। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां अस्पतालों में भर्ती को लेकर प्रभारी डीएम ने आदेश दिए हैं। सुबह 8 बजे से और शाम 4 बजे डिस्प्ले किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां ऑक्सीजन के लिए प्लांटों पर दिखी भारी भीड़। नादरगंज क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर दिखी भीड़। ऑक्सीजन के लिए कई कई घंटों लोग कर रहे इंतजार। प्लांटों पर चल रही कालाबाजारी का लोगों ने लगाया आरोप। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ऑक्सीजन के लिए प्लांटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस तरीके से लगातार कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, वहीं लोगों की भीड़ भी उतनी ही तेजी से उमड़ रही है। प्लांटों पर चल रही कालाबाजारी को लोगों ने आरोप लगाया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कोरोना काल के बीच भी इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां काला